प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों से 8 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। कांग्रेस ने बताया कि सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी, अगर राहुल दिल्ली में रहे तो वे भी पूछताछ में जाएंगे। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। इस केस में ईडी ने कांग्रेस के दो बड़े नेता पवन बंसल व मल्लिका अर्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मकसद एसोसिएट जनरल्स की 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। इसके लिए गांधी परिवार ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम दी थी। कांग्रेस ने नोटिस जारी होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह सरकार डर गई है, इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को ईडी का समन भेजा है। भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया राहुल को ईडी के नोटिस पर कहा, चेहरा गड़बड़ है और वे आईना साफ कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि कोई मुस्लिम बोले कि मैं बेईमान हूं? राहुल गांधी ना तो इंडियन है, ना नेशनल, ना कांग्रेस के रह गए हैं। कांग्रेस तो भाई बहन की पार्टी है, वह तो लंदन जाकर बोलते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मधुभाषी के साथ।